हमारे यहाँ नागपुर में मार्केट नहीं है, सबसे बड़ी बात। हम जो कपड़ा अगर कोई मार्केट में बनाने बैठेंगे, लेनिन बोलो या और जो भी, वो कपड़ा बन तो जाएगा, सेल के लिए तकलीफ है, सेलिंग नहीं है या मार्केटिंग ही नहीं है। मोमिनपुरा फूड स्टफ्स और खरीदारी के लिए मशहूर है, लेकिन इसके साथ ही वीवर्स यानी बुनकर यानी विनकर कम्युनिटी के लिए भी मशहूर है। यहाँ 100-200 साल पुराने कारखाने हैं जो बुनाई का काम करते हैं। यहाँ विदर्भ टेक्सटाइल का ऐतिहासिक केंद्र है। यहाँ पर स्वरोजगार के अवसर अनुसार बुनकर अपनी रोजी रोटी से जुड़े हुए थे, मगर पिछले 10-15 वर्षों से आर्थिक कारणों के कारण हाथ मार बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। एक यूनिट 1 से 4 पावरलूम पर आधारित है। हर यूनिट पर पावरलूम बुनकर कम से कम 5 फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर अपना पावरलूम उद्योग चला रहा है। पावरलूम बुनकरों की इन बस्तियों में बुनियादी सहूलतें भी हासिल नहीं है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दी गई है। यहाँ का यंत्र मांग उद्योग देश के गरीब और आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए कपड़ा तैयार करता है। हमारे देश के मशहूर म्यूजिक परफॉर्मर तीजन बाई इन्हीं में से एक कारखाने में बनी हुई साड़ी पहनती है। लेकिन आज ऐसे कितने कारखाने हैं मोमिनपुरा में और उनकी क्या स्थिति है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। नागपुर शहर ये बुनकरों का शहर है और यहाँ पर दो बुनकर रहते हैं, दो समाज के बुनकर। एक हिंदू समाज जिसको कोष्टी बुनकर बोलते हैं, हलवा बुनकर बोलते हैं, और एक मुस्लिम समाज जिसको मोमिन बुनकर बोलते हैं। और ये उनका पुश्तैनी धंधा है, मतलब उनके यानी उनके आबा अजदाद जो पुरानी नस्ल है वो करते हुए आ रही है। और ये 300 साल पुराना धंधा है नागपुर का। इसमें 300 साल से नागपुर के अंदर बुनकरी का कारोबार, जिसको हैंडलूम इंडस्ट्री बोलते थे पहले, वो चालू थी। और इसको राजा भोसले के ज़माने में कुछ कोष्टी बुनकरों को कोल्हापुर से उन्होंने माइग्रेट किया, लेकर आया था, और यहाँ पर उन्होंने अपना हैंडलूम का कारोबार शुरू किया, हैंडलूम लगाया और साड़ी बनाना शुरू करिए बोलिए। और 1857 के बाद में मोमिन बुनकर यूपी से माइग्रेट होकर यहाँ नागपुर में आए, खासतौर से आज़मगढ़ ज़िले से ज़्यादा लोग माइग्रेट हुए, और इन्होंने अपना हैंडलूम का काम शुरू किया। और हैंडलूम पे वो ट्रेडिशनल जो वीविंग होती थी यानी कपड़ा जो बनाया जाता था, वो साड़ी बनती थी। और साड़ी 6 वार की भी होती थी, 5 वार की भी होती थी, 9 वार की भी होती थी। 6 वार 5 वार की साड़ी जो थी वो छत्तीसगढ़ का और बरार का जो ट्राइबल एरिया है उसके लिए बनाई जाती थी, जो आदिवासी लोग थे उसको पहनते थे। और 9 वारी साड़ी जो महाराष्ट्रियन काश्तकार है, औरतें जो खेतों में काम करती है, नौवारी लूड़ा जिसको बोलते हैं, उस किस्म की साड़ी बनाते थे। ये कारोबार कई दशक से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है, मगर आज की हालत तो बहुत अच्छी है नहीं। तो 1857 के बाद यहाँ पे 1880 में के लगभग इम्प्रेस मिल कायम हुई। तो ये बुनकरों को चूँकि बुनकरी आती थी इसलिए इम्प्रेस मिल में एक रोज़गार का ज़रिया मिला हो, तो वहाँ पर ये लोग वहाँ हर नौकरी करने के लिए, बुनकरी करने के लिए उस खाते में भर्ती हो गए, नौकरी मिली। उसके बाद में कुछ लोग नौकरी नहीं करे तो अपने घरों के कारोबार को किए, तो हैंडलूम का कारोबार था। और हैंडलूम में नागपुर शहर में 1970 तक, 1960 से लेकर 1970 तक का ऐसा पीक था जिसमें 3 लाख से ऊपर हैंडलूम थे। मगर 1970 के बाद में न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी आने के बाद में ये हैंडलूम ख़त्म हो गए। आज तुमको 100 लूम हैंडलूम भी नागपुर के अंदर नहीं मिलेंगे। और न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी आने के बाद में ये हैंडलूम बुनकरों ने, जो मोमिन बुनकर थे, उन्होंने अपने कारोबार को हैंडलूम से पावरलूम में कन्वर्ट किया। और नागपुर शहर के अंदर 1970 के बाद से 1980-85-90 तक 15,000 पावरलूम लग गए और इस पर यही प्रोडक्शन होता था। आज की तारीख में ये कारोबार बहुत मुनाफा देने वाला नहीं है, घाटा देने वाला है। और कारोबार के ये बुनकरी में इनकी नस्ल जो है, इनके बच्चे ये कारोबार को करना नहीं चाहते, इसलिए इसमें ये कारोबार ख़त्म होना शुरू हुआ, बंद होना शुरू हुआ। आज की तारीख में 3,000 से भी कम पावरलूम यहाँ पर चलते हैं, मगर ये आज भी वही कपड़ा बनाते हैं, 9 वारी साड़ी बनाते हैं, 6 वारी साड़ी बनाते हैं और बुनकरों के लिए ही काम करते हैं। मेरी ये चौथी नस्ल है, मेरे परदादा यहाँ पर आए थे, मेरे दादा आए थे,
और इन दोनों ने इम्प्रेस मिल में काम किया, नौकरी करी, और इनके लड़कों हैंडलूम का कारोबार करता है, वही कारोबार को मेरे वालिद जो थे, मेरे फादर जो थे, वो हैंडलूम का कारोबार करते थे, हैंडलूम का कारखाने थे हमारे घरों में, हम लोग उसको चलाते थे। उसके बाद में 1970 के बाद में मैंने इसको पावर रूम में कन्वर्ट किया, मैं तीसरी जनरेशन हूँ इस वक्त, और मेरा लड़का अभी इस वक्त ये कारोबार को कर रहा है, वो चौथी जनरेशन है। और आज के बाद में ये जनरेशन ये कारोबार को करेंगी कि नहीं करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये लड़के करना भी नहीं चाहते, इसलिए इसमें किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं है, और मैनुअल वर्क इतना है कि कोई पैसा मिलता नहीं है। तो आज की बिक्री के हालत इतने ख़राब है कि माल तैयार होने के बाद ही माल नहीं बिक रहा है। ये आपके सामने मेरी दो मशीन यहाँ पर है, बंद पड़ी है ये दो महीने से, इसलिए कि हमारे पास में वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो मशीन चलेंगी कहाँ से मशीन। और मार्केट के अंदर माल का लेने वाला भी कोई नहीं है। कोविड की वजह से क्या हुआ, कारोबारी हालत बहुत ख़राब हो गई, काश्तकारों के पास भी पैसे नहीं आए, और काश्तकार लोग अमूमन क्या करते हैं, जब काश्तकार यहाँ पर कपड़े की खरीदी करता है तो ये बुनकरी का कारोबार चलता है, इसलिए कि मेन ग्राहक इसके यही रहते हैं, गांव खेड़े के जो काश्तकार रहते हैं, मगर वो काश्तकारों ने, और काश्तकारों का सीज़न कैसे चालू होता है, पोले से शुरू होता है, पोला, दशहरा, दिवाली, ये तमाम सीज़न, और उसके बाद में लगनसरा आता है, इसमें ये कपड़े ख़रीदते हैं, मगर पिछले दो सालों में कोविड की वजह से कोई कपड़े की खरीदी नहीं हुई, कोई लगनसरा नहीं हुआ, कोई त्यौहार नहीं हुआ, ये पूरी तरह से कारोबार डूब गया। अब थोड़ा बहुत हम लोग उठा रहे हैं इसको कि भाई चलो कारोबार को करना है करके, मगर आज भी हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं होने की वजह से हम वैसा कर नहीं पा रहे हैं, और आने वाले दिनों में चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं दिख पा रही है। कोविड के 2020 में पहली लहर आई थी, 19 के बाद में, और 2021 आते आते तीसरी लहर अभी आना बाकी है, मगर इसका खतरा बना हुआ रहता है हर वक्त, और ये दो साल के अंदर कारोबार पूरी तरह से बंद रहा, इस पर काम करने वालों को भी रोज़गार नहीं मिला, और हम और जो चलाने वाले जो मालक लोग हैं, ओनर्स हैं, उनको भी कोई रोज़गार नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि इसके कपड़े की बिक्री ही नहीं थी तो माल बना के करेंगे क्या, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसा होता है जब तक का माल बिकेगा नहीं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलेगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग करके कोई हासिल नहीं है। तो हमारा को दो साल से कारोबार सबका ही बंद पड़ा हुआ, मेरा भी बंद पड़ा था, अभी मैं धीरे धीरे अभी कोविड ख़त्म हुआ है तो हम लोग इसको चालू करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और मार्केट में आज की भी तारीख में कोई बिक्रा नहीं है, जबकि दिवाली अभी करीब आ रही है, बहुत नज़दीक है दिवाली में, कम से कम बहुत माल बिकता है, मगर कोई मार्केट में लेवाली नहीं है जिसको बोलते हैं कि भाई खरीदी कर रहे थे इस हालत में भी चाल। और कोविड में हालात तो इतने ख़राब थे कि लोगों को खाने की मोहताजी थी, भुखमरी का शिकार थे, लोगों ने उनके लिए अनाज लाए, अनाज का पैकेट लाए, ये करे, और बहरहाल कैसे भी ये दो साल निकले बहुत ही ख़राब हालात में निकले, यानी जिसको बयान नहीं कर सकते अपन, बता नहीं सकते कि भाई कैसे किस के हालात से। बहरहाल अल्लाह ताला का एहसान करम है कि उसने हालात को भी चला दिया, आगे बढ़ गई गाड़ी, हम लोग भी शुक्र मनाते हैं कि भाई चलो कैसे भी इसमें ज़िंदा रह के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगता था इसमें, इससे पहले जब कोविड का फर्स्ट लहर आई थी तो ये पूरा इलाका सील था, जहाँ आप खड़े हो अभी ये पूरा इलाका सील था, और कम से कम 500 लोगों को यहाँ क्वारंटाइन कर दिया गया था, ये पूरे के पूरे घरों के लोगों को पूरा मोहन पूरा एक हॉट लाइन बनती थी, मेन लाइन बनती, हेडलाइन बनती थी पेपर्स की, न्यूज़ चैनल्स की, और काफ़ी ये बहुत ज़्यादा ही था। बहरहाल बहुत अच्छे दिन नहीं गुजरे, बहुत ही तकलीफ़ वाला दिन गुजरे, और उसमें सरकार ने भी कोई मदद उधर करी नहीं, ना इंडस्ट्री को करी ना और किसी को करी, सरकार का भी रवैया बहुत ही बिल्कुल बेकार ख़राब था, और आज भी वैसी ही है उनका रवैया। हमको तो बड़ी वो उम्मीद ही नहीं है कि ये सरकार कुछ करेगी करके। बहरहाल आदमी अपनी ताकत पे, अपनी हुनर पे, अपने पैसे पे, जो जितना है उसके स्ट्रेंथ उतना वो काम को आगे बढ़ा रहा है, कर रहा है। मैं अब्दुल कय्यूम अंसारी, ये कारखाना हमारे वालिद साहब के हाथ में 1950 से पहले से है, उसके बाद हैंडलूम पूरा हैंडलूम पे था, हैंडलूम से धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ पावर लूम पे। इसकी काम है पहले बॉबिन भराते हैं, बॉबिन बनाने के बाद भीम बनाते हैं, भीम बनाने के बाद लूम पे ऊपर आता है तो उससे कपड़ा बनता है। कोविड दो साल डेढ़ दो साल हो गया, उससे माल प्रोडक्शन तो चालू है मगर माल की बिक्री नहीं है,
मार्केट नहीं लग रहा, बाजार नहीं लग रहा गांव-गांव में, उसके कारण हमारा माल की सेलिंग जो है वो घटी हुई है, सेलिंग नहीं हो रही है। हमारी तो ये सोर्स इनकम यही है पावर लूम से ही। अभी उसका प्रोसेस ऐसा है कि पहले हम वाइट धागा लाते हैं, उसको कलर करते हैं, कलर करने के बाद उसकी बॉबिन भरते हैं, तो उसको बॉबिन उसके बाद फिर उसको वाफ करते हैं भीम के ऊपर, उसके बाद वो फिर पावर लूम के ऊपर आती भीम, उसके बाद कपड़ा बनता है। कपड़ा बनने के बाद में फिर आपको ये देख रहे हैं, ये फोल्ड होके फिनिश करके लेबल लगा के इसको भी तैयार करके रखते हैं। अब उधर से जैसे व्यापारी के आर्डर आते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा माल फिर बेचते रहते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है प्रॉफिट, अभी रॉ मटेरियल बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। आज की पोजीशन में तो हम कारोबार नहीं करने के लायक, इतना बड़ा है हमारा कपड़ा रेट बढ़ा 50% की कलर में तेज़ी है या 200 रुपये बंडल स्टेबल के रेट बढ़ गए धागे के, तो हम कैसे कारोबार करेंगे, हमारे कपड़े का रेट कैसे बढ़ेगा। फिर अभी GST 12% कर रही है सरकार, वो GST मेंशन करना हमारे लिए तकलीफ वाला काम है। लेबर तो बहुत कम हो गया है, ज़्यादातर अक्सर ये देखो हमारी पूरी फैमिली लगी हुई है, छोटा भाई है गुलाम अशरफ, भतीजे है, हर काम में अभी ये लोग कॉलेज पढ़ भी रहे उसके बाद भी यहाँ काम में, ये फोल्डिंग के लिए सब शाम में बैठती है। लेबर की कमी तो हो गई अब पहले के बनिस्बत और आज में। पावर लूम जो चलाने वाली है वो टीम लेबर है, बॉबिन भरने वाली लेबर है, बाकी ये जितना काम है ये सब घर के लोग मिलके कर लेते हैं। कमाई उतनी ज़्यादा नहीं है जितना हमारा खर्चा, उसका तो निकल जाता, उतना खर्चा तो मेंटेन हो जाता। आज तो जॉब नहीं है कहीं देखो तो बच्चे करेंगे क्या फिर। एरोनॉटिक इंजीनियर इसका चालू आखिरी साल है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से क्लियर करके वो बेटा खड़ा हुआ है, अभी उसको मतलब ट्रेनिंग दिलाना है। तो टेक्सटाइल से अगर काम, अपना काम टेक्सटाइल में ही है, अगर अपने घर में टेक्सटाइल का जॉब होता तो अच्छी बात है, डाइंग है, प्रोसेस है, ये हैंडलूम तो धीरे धीरे खत्म हो गया, टोटल खत्म हो गया, 100% खत्म हो गया। आज पावर लूम अपग्रेड होना शुरू हो गया, नई जनरेशन चाइना की मशीनें आना शुरू हो गई। हमारे यहाँ नागपुर में मार्केट नहीं है, सबसे बड़ी बात। हम जो कपड़ा अगर कोई मार्केट में बनाने बैठेंगे, लेनिन बोलो या जो भी, वो कपड़ा बन तो जाएगा, सेल के लिए तकलीफ है, सेलिंग नहीं है या मार्केटिंग ही नहीं है। हम लोग को जाना पड़ता है ऑर्डर लाने के लिए, अमरावती, अकोला, नांदेड़, ये पूरा जो मंडी है ये बेचते ये माल, महाराष्ट्रीयन साड़ी बोलते उसको, और ये छत्तीसगढ़िया साड़ी जो है वो कहीं नहीं बिकती हिंदुस्तान में सिवाय छत्तीसगढ़िया, जहाँ भी रहेंगे चाहे वो कश्मीर हो, लद्दाख हो, जहाँ लेबर जाती काम कर रहे वो उनको वहाँ बुलाते हैं ये कपड़े के लिए, वहाँ से ऑर्डर आता तो वो लोग गांधीबाग से ले जाते, कभी व्यापारी से ले लेते, कभी हमारे पास आ जाते। उड़ीसा में उड़िया लोग हैं वो पहनते, ये उड़िया लोगों की वैरायटी है जो अभी देख रहे ना आप उड़ीसा की, और ये जो डबल बिल्ली देख रहे ना ये माल ज़्यादा हमारा बिकता है छत्तीसगढ़ में। तो ये सब अभी जो है अभी लॉकडाउन में लगने के बाद में ना बहुत तकलीफ हुई काम में, आवक जावक बंद था, व्यापारी माल बुलाए तो ट्रांसपोर्ट बंद है, इसमें लेबर तकलीफ में, लेबर को संभालना हम लोगों का काम है, छोड़ के भाग जाए तो लेबर नहीं मिलती अभी इस वक्त, और जो बाहर से लेबर आती थी वो नागपुर आ नहीं रही अभी कोई लेबर, बाहर से मध्य प्रदेश से आती थी, UP से आती थी, काम करने वाले बहुत आते थे, अभी नागपुर में धीरे धीरे काम करने वाले घट गए। हमारे जो लूम बंद हो रहे बेचारे, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, ये तरीके भी चले गए सब, अभी धीरे धीरे वापस आने को नहीं बोलते, हम लूम नहीं चलाएंगे।